बेटा तो शुरू करें। अभी आ रही है। वहां देखो ना रखे पे। एक सेकंड बेटा, ये हो गया है, इसको फिर कट कर रहे हैं। जा रही है, सबको क्लियर है? आवाज yes, सबको जा रही है मेरी? हाँ, चलो अभी हम लोग देखेंगे। yes, कि हमने बैलेंस थ्योरी में बताया था कि आपको मान लीजिए जो हमने फिगर में बताया, तो अगर ए और ए को पता है, ए जो है वो बी से अट्रैक्ट हो रहा है और ए को विश्वास है कि बी भी हमसे अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एक्स एक्स जो है एक्स से ए का अट्रैक्शन है लेकिन बी का अट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इंबैलेंस हो जा रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे फिगर में कि इस तरह की जब बात आए तो हम इसको कैसे बैलेंस करें, ठीक है? आपको फिगर के थ्रू समझाएंगे और अभी हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये चित्र ग है जो हम आपको आगे दिखाएंगे, खाली अभी हम पढ़ दे रहे हैं कि चित्र ग को देखें। चित्र ग मतलब ये वाला चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र ग, ठीक है? चित्र ग में आप देख रहे हो कि ये तीनों बैलेंस है। ए जो है वो बी से अट्रैक्ट हो रहा है और बी जो है वो ए से अट्रैक्ट हो रहा है, और ए का एक्स के प्रति पॉजिटिव है, प्लस देख रहे हो आप, और बी भी एक्स के प्रति पॉजिटिव है, मतलब प्लस देख रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये संतुलन हो गया, है ना? अब अगर अगर इस तरह का सिचुएशन आए, जैसे कह रहे हैं चित्र क को ग को देखे, व्यक्ति ए अपने असंतुलन या तनाव के समाधान के लिए दूसरे व्यक्ति बी की मनोवृत्ति से संबंधित अपने विश्वास में परिवर्तन ला सकता है, वह सोच सकता है कि यह उसकी भूल थी कि एक्स के प्रति उसने बी की मनोवृत्ति को नकारात्मक सोचा। आप लोग पढ़ रहे होंगे सब अपने पे पढ़ रहे हो आप लोग, yes, है ना? yes, एक्स के प्रति उसने बी की मनोवृत्ति को नकारात्मक सोचा, इस परिवर्तन में असंतुलन या तनाव दूर हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस फिगर में जो ग की फिगर को अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ग की फिगर को बोला कि ए जो है बी से अट्रैक्ट हो रहा है और ए को विश्वास है कि बी भी एक ए से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ भी प्लस है चिन्ह, यहाँ भी प्लस है, है ना? तो दोनों में धनात्मक आकर्षण हो रहा है ना, पॉजिटिव अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना? yes. और ए जो है वो एक्स से भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन आपको जो पहला फिगर दिखाए थे उसमें क्या था कि बी जो है वो एक्स को नहीं पसंद करता है, ठीक है? ए जो है अपनी मनोवृत्ति बदल के और ये सोचता है कि नहीं, बी भी जो है वो ए को पसंद, एक्स को पसंद करता है, वो अपना मनोवृत्ति क्या बदला कि नहीं, बी भी जो है वो एक्स को पसंद करता है, तो क्या हो गया, इसका भी हो गया धनात्मक प्लस, तो अब ये संतुलित हो गया, ये बैलेंस हो गया ना? yes, अब यहाँ पे देखिए कि चित्र, ये कौन सा हमारा है, चित्र घ है ना? चित्र घ में आप देखिए कि यहाँ पे क्या किया, देखो इसको ये सारा कैसे हम बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस करने के लिए बता रहा है बेटा, समझ रहे हो आप लोग? देखो ये पहला जो फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है, ये आपका पहला फिगर जो है ये संतुलित स्थिति का फिगर है, ये बैलेंस का है ना? yes, और ये क्या है फिगर, ये बताओ किसका है, बैलेंस नहीं, असंतुलित, ये असंतुलित, हाँ ये असंतुलित का है। तो न्यूकॉम का कहना है कि असंतुलित को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं, ये जो असंतुलित है इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये वो बता रहे हैं। तो इसी को इन्होंने इस फिगर में बताया कि ये स्थिति अगर आएगी तो एक ढंग से हम ये बैलेंस कर सकते हैं,
कि यहाँ पे बी का जो था मनोवृत्ति एक्स के प्रति वो क्या था, निगेटिव था ना उस फिगर में, यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो ए जो है, ए जो है अपनी मनोवृत्ति बदल के क्या मनोवृत्ति किया कि बी का भी एक्स के प्रति पॉजिटिव है, तो ये बैलेंस, तो ये बैलेंस हो गया। अब दूसरा फिगर है कि उसको हम कैसे बैलेंस करें। तो ए तो बी से अट्रैक्ट हो ही रहा है, बी भी ए से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन बी जो है वो एक्स के प्रति निगेटिव रखा था, पहला फिगर में आपको दिखाया था ना। यस मैम। इस फिगर का याद है ना बेटा, इस फिगर का याद है। यस मैम। बी क्या है, एक्स के प्रति निगेटिव है, निगेटिव। हाँ, तो उसी को कह रहा है कि अगर हमको इसको संतुलित करना है, हमको इसको बैलेंस करना है, तो बी का एक्स के प्रति है जो निगेटिव है, तो एक ए भी अगर अपना मनोवृत्ति अपना ए के प्रति जो एक्स के प्रति अट्रैक्शन है वो निगेटिव कर देगा, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। फिर ये भी बैलेंस हो जाएगा ना, क्योंकि इसका भी निगेटिव है और इसका भी अब निगेटिव हो जाएगा, ये भी अपना। मान लो कि यहाँ पे एसी है, एलजी का एसी खरीदना है, ठीक है ना। अब हस्बैंड को ये पसंद है, मतलब यहाँ पे प्लस रहेगा, हस्बैंड को ये पसंद है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा अट्रैक्शन। अब वाइफ को जो है ये नहीं पसंद है, तो यहाँ माइनस। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब वाइफ का हम एटीट्यूड जो है वो नहीं बदल के हम अपना एटीट्यूड बदल देंगे, हम भी एलजी के प्रति निगेटिव कर लेंगे। वाइफ का तो पहले ही एलजी जो एसी था उसके प्रति निगेटिव था ही, है ना। लेकिन मेरा क्या था, जो हस्बैंड का क्या positive था, वो तो प्लस था ना, पॉजिटिव था। यस मैम। तो वो भी क्या करेगा, अपना चेंज कर देगा मनोवृत्ति और निगेटिव कर देगा, है ना। तो अब जब दोनों का निगेटिव हो जाएगा तो अट्रैक्शन बैलेंस हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि अब एलजी ना हस्बैंड लेना चाह रहा है ना वाइफ लेना चाह रही है ना, दोनों का सोच निगेटिव हो गया एसी के प्रति, तो अब दोनों के बीच में झंझट नहीं होगा, नहीं होगा ना। नहीं मैम। अब मान लो कि अदीवा को सुप्रिया पसंद है और बुसरा को सुप्रिया नहीं पसंद है, तो अदीवा कहेगी छोड़ो हम भी सुप्रिया से बात नहीं करेंगे, यही ना होगा। तो अब अदीवा और बुसरा में लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि अब तो सुप्रिया हट गई। यस मैम। है ना। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस हो गया मैम, बैलेंस हो गया। तो एक तरीका इस ढंग से हम बैलेंस कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, एक तरीका हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, और थर्ड तरीका हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। अब थर्ड फिगर में कह रहा है कि अगर एक का अट्रैक्शन एक्स के प्रति पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, और बी का जो है वो क्या है, इसके प्रति एक्स के प्रति भी निगेटिव है ना। बी का क्या है बेटा, बी का क्या है, बी का निगेटिव है, बी का निगेटिव है,